आज हम लोग देखेंगे कि लैब में विडॉल टेस्ट किस तरह से किया जाता है। विडॉल टेस्ट यानी टाइफॉइड का टेस्ट। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल जनित बीमारी है, जीवाणु से होने वाला बीमारी है जो कि प्रदूषित जल और भोजन से होता है। मतलब जब ये खास करके बरसात के सीजन्स में ये अधिक मात्रा में पॉपुलेशन में होता है, क्योंकि उस समय बरसात का प्रदूषित जल और भोजन जो हम लोग सब्जी वगैरह जो लेते हैं उससे ये इसका इन्फेक्शन जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर हमें टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे हेडेक होना, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द होना, चाहे डायरिया हो मतलब पतली दस्त होना, या फिर कब्ज हो जाना और पेट में दर्द होना, इस तरह की बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। बुखार भी आता है, कभी ठंड देख करके भी बुखार आता है। तो इसके सिम्टम्स जो है काफी कुछ मलेरिया और अन्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि बरसात में ये सारी बीमारियां भी अधिक मात्रा में फैलती हैं। तो बहुत सारे टेस्ट मलेरिया और सब के किए जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम टाइफाइड का टेस्ट जो है कैसे करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में विडॉल टेस्ट कहते हैं। तो विडॉल टेस्ट ये हमारे पास किट है, ये स्टैंड सेलोनेला एंटीजन टेस्ट। ये एक एंटीजन टेस्ट है, यानी कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको ये, इसमें जो आपको ये सॉल्यूशन मिलता है ये जो है वो इसमें एंटीजन है, और हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उससे ये मिल जाता है। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलती है तो उसमें क्लंपिंग होता है, मतलब दाने का फॉर्मेशन होता है, और उसी के कारण जो है हमें पता चलता है कि इसमें अगर थक्के जम गए हैं यानी कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, इसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटेटिव माने इसी क्वालिटी चेक करना, ब्लड में अगर किसी मरीज के शरीर में वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं तभी इसमें पॉजिटिव आती है। तो ये टेस्ट जो है ये इन्फेक्शन के 7 दिनों के बाद ही पॉजिटिव आता है, और ये बहुत सारे अन्य बीमारियों में भी ये पॉजिटिव आ सकता है। तो इसीलिए इसको हम 100% कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर टाइफाइड का समय से इलाज ना हो तो ये सीवियर एब्डोमिनल ब्लीडिंग करता है, मतलब पेट में आंतों को सूजन हो जाएगी और उसमें आंत फट भी सकती है और अंदर ही पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और जो भी परफोरेशन मतलब आंतों का फटना टाइफाइड के कारण होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसका ऑपरेट करना भी, उसको सील करना बड़ा कठिन होता है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये टेस्ट जो है अनिवार्य हो जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जांच हम कैसे करते हैं। इस टेस्ट के लिए हम ये किट का यूज करते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग रंगों के ये सॉल्यूशन ये टेस्ट शुरू करते हैं। तो इस टेस्ट में आपको एंटीएच, एंटीजन एच, एंटीजन ओ, एंटीजन ए एच और एंटीजन बी एच होता है। ये दोनों जो एंटीजन होते हैं ये सेलमोनेला टाइफी के होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो सेलमोनेला पैरा टाइफी के होते हैं। मतलब ये जो है सेलमोनेला बैक्टीरिया जो है ये दो तरह का होता है, टाइफी और पैरा टाइफी। तो इन दोनों की जांच हम इस मेथड से करते हैं। इसमें एक पॉजिटिव कंट्रोल भी दिया रहता है, जैसे कि जो ये देखने के लिए कि किसको हम कहेंगे कि दाने बन गए हैं और किसको नहीं कहेंगे, उसके लिए एक पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है। तो सबसे पहले हम मरीज का सीरम लेते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं शरीर से, वेन से, और उसके बाद उसको इसमें थक्का जमने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जब सीरम बाहर आ जाता है तो उस सीरम में से हम एक एक बूंद इस सभी स्लाइड्स में डालते हैं। एक एक बूंद हम सभी गोलों में डाल देंगे, एक जो है हम पॉजिटिव कंट्रोल के लिए भी डाल देंगे।
इसके बाद एक एक करके हम सबसे पहले ओ डालेंगे एक गोल में, और इसमें हम अच्छी तरह से मिला देंगे, जो इसमें था पहले से उसको हम नीचे गिरा देंगे, क्योंकि ये काफी समय रखने से इसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है, इसीलिए इसे हम अच्छी तरह से हिला करके फिर नया सैंपल लेंगे और ऊपर से ही गिराएंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। अगर हम इसको टच कर देते हैं तो हमारा ये जो एंटीजन है ये खराब हो सकता है, इसीलिए हम कभी भी इसे टच नहीं करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर एक बूंद ऊपर से ही इस बूंद पे डाल देंगे। ये पैरा टाइफी का है और वो टाइफी का, एक बूंद इसमें से ये जो है कंट्रोल है, मतलब ये हमें बताएगा कि इस तरह का हमें ग्लूटिनेशन मिलना चाहिए, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव कंट्रोल कहते हैं। इसे मिलाते हैं और इसे मिलाने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक से जिसे मिलाया वो दूसरे को उसी साइड से नहीं मिलाना है, नहीं तो कंटामिनेशन हो जाएगा। तो एक साइड से इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि ये सर्कल के अंदर ही रहे, इसके बाहर ना जाए, फिर इसको हम बदल करके दूसरे साइड से मिलाएंगे, फिर दूसरे से मिक्सचर से हम इसे मिलाएंगे। अब इसे हम एक मिनट तक इस तरह से हिलाएंगे। एक मिनट तक हिलाते समय हम देखेंगे कि इसमें ग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं, क्लम्पिंग हो रहा है कि नहीं। ये एंटीजन है और पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलता है तो यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ओ और एच में कोई भी थक्के नहीं जमे हैं, बीएच में हल्का थक्का दिख रहा है। ये एक मिनट में आता है और फिर ये क्वालिटेटिव है, ये जांच जो है क्वालिटेटिव है, वो ये बताता है कि किसमें क्लम्पिंग हो रही है। तो ये इसमें बीएच में थोड़ी सी क्लम्पिंग हमें देखने को मिलती है, तो और बाकी एच और ओ एच और ए एच जो है ये सादे हैं, यानी कि इसे इसका इन्फेक्शन नहीं है, इसे सेल्मोनेला पेराटाइफी ए एच का इन्फेक्शन है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट हो गया। इसके बाद हम क्वांटिटेटिव करते हैं, मतलब उस पेशेंट के शरीर में कितना टाइटर है, मतलब ये जो टाइटर है ये बहुत सारे अन्य बीमारियों में भी, जैसे अगर उसे टाइफाइड का वैक्सीनेशन हुआ है तभी भी ऐसी क्लम्पिंग हो सकती है, या फिर और भी कोई बीमारी हुई है तो उसमें भी इन्फेक्शन, उसमें भी टाइटर शो करता है, इसीलिए इसका जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है वो भी करना बहुत ही आवश्यक है। क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए हम उसी का टेस्ट करेंगे जिसका इसमें क्लम्पिंग हुआ था, जैसे इसमें बीएच का क्लम्पिंग हुआ है तो हम इसमें बीएच के लिए ही टेस्ट करेंगे। ये एक तरह से सेमी है, मतलब हाफ है, इसमें हम सभी के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी के लिए करेंगे जिसमें कि ये पॉजिटिव आया है, और अगर कोई पॉजिटिव नहीं आया है तो हम फिर उसकी जांच क्वांटिटेटिव की जांच नहीं करते। तो हम बता देते हैं कि क्वांटिटेटिव की जांच हमें कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव की जांच करने के लिए हम इसमें, जैसे हमने ये स्लाइड पर लिखा है कि पहला जो है स्लाइड, इसमें हम 5 माइक्रोलीटर ब्लड देंगे, इसमें हम सिर्फ 5 माइक्रोलीटर ब्लड का लेंगे। सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं, सबसे पहले में हम 40 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे, पहले वाले में हमने 40 माइक्रोलीटर
डाल दिया। फिर उसके बाद वाले में हम 20 माइक्रोलीटर लेंगे। फिर हम 10 माइक्रोलीटर लेंगे। और उसके बाद हम सिर्फ 5 माइक्रोलीटर लेंगे। अब इसमें हमने देखिए 40, 20, 10 और 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी एंटीजन को डालेंगे जिसके लिए हमारा पहले का टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब इसमें हम फिर वही करेंगे, एक एक बूंद सबले डालेंगे। सब में हमने एक एक बूंद डाला और फिर हम नए ट्रीट से इसको मिक्स करेंगे। ये प्रोसीजर पहले वाले जैसा ही रहेगा जैसे हमने पहले किया था। बस अंतर ये है कि उसमें हमने सब में बराबर सीरम डाला था और इसमें जो हमने सीरम डाला है वो मात्रा आधी होती गई है। अब इसमें हमें देखना है कि किस लेवल तक टाइटर पॉजिटिव आता है। अब इसे हम फिर मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे एक मिनट तक और देखेंगे अंतिम सेल देखेंगे जिसमें इसका एग्लूटिनेशन हो रहा है। जैसे हमने देखा कि इसका अंतिम वाले में भी आपको एग्लूटिनेशन दिख रहा है ना, इसमें भी दिख रहा है, यानी कि इस मरीज को टाइफॉइड जो है पैरा टाइफॉइड AH का इन्फेक्शन है और इसका टाइटर कितना है, 320 से भी अधिक है। 320 से अधिक है यानी कि इसको हम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक। और अगर टाइटर 140 या 180 तक होता है तब इसे हम नेगेटिव रिजल्ट देंगे। एच के केस में अगर टाइटर 100 से ऊपर जाता है तब हम पॉजिटिव देते हैं। ये एच है, इसे हम जब ये 100 से ऊपर जाता है तब इसको हम पॉजिटिव देते हैं। और